निवेश किया है। तीन में उत्पादन शुरू 15 और कंपनियों को डिस्टिलरी लगाने की अनुमति दी गई है। पिछले 5 सालों में डिस्टिलरी में 9000 करोड़ का निवेश किया गया है। 60,000 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिला है। यूपी में अल्कोहल उत्पादन 2 गुने से अधिक हुआ है। आबकारी राजस्व में 2 गुने से अधिक का इजाफा देखने को मिला है, जहां 17,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़ हुआ है। शराब निर्यात में भी यूपी की लंबी छलांग देखने को मिली है। शराब निर्यात में गोवा और आंध्र प्रदेश पीछे छूटे। अविनाश सिंह इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखा जाए तो यूपी में शराब माफिया और सिंडिकेट की कमर जो एक तरह से टूटती नजर आई, क्योंकि लगातार आबकारी राजस्व में 2 गुना इजाफा देखने को मिल रहा। बिल्कुल, देखिए अगर हम 5 साल पहले की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं जो शराब माफियाओं का एक सिंडिकेट था, उसकी वजह से जो आबकारी का राजस्व होता था उस पर काफी असर देखने को मिलता था। लेकिन पिछले 5 सालों की बात करें तो कहीं ना कहीं उस सिंडिकेट को ध्वस्त करने का काम सरकार ने किया है, और उसकी वजह से जो शराब का निर्यात है वो बढ़ा है। क्योंकि देखिए, सरकार का लक्ष्य है $1 trillion इकोनॉमी का, और वैसे माना जा रहा है कि जो डिस्टिलरी उद्योग है वो उसमें काफी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो इस इंडस्ट्री में तकरीबन 9000 करोड़ रुपए का निवेश यूपी में आया। देखिए, ये कह सकते हैं कि बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले चूंकि निवेश तो आते थे लेकिन कहीं ना कहीं उस सिंडिकेट की वजह से राजस्व को काफी हानि होती थी और सरकार को जो मुनाफा मिलना चाहिए था वो मुनाफा नहीं मिलता था। लेकिन अब चूंकि इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए सरकार ने कुछ नई नीतियों को लागू किया था, जिसका असर ये हुआ कि अब निर्यात में यूपी ने एक लंबी छलांग लगाई है। कई राज्यों को यूपी ने पीछे छोड़ दिया है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो आबकारी का राजस्व में योगदान होगा वो काफी अहम होगा। माना जा रहा है कि आबकारी राजस्व में 2 गुने से अधिक का इजाफा हो चुका है, और आने वाले समय में ये 17,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़ को तो पार कर गया है, लेकिन जल्दी माना जा रहा है कि तकरीबन 40,000 करोड़ को पार करने वाला है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।